हेलो फ्रेंड, सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम लोग जो है डोमेस्टिक मशीन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने जो सब्सक्राइबर हैं, विजिटर्स हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सर छोटी मशीन पे भी एक वीडियो बना दें, जिससे हम लोगों को जो है जो भी प्रॉब्लम छोटी मशीनों में आती हैं उसके अंदर उसकी समस्या का हल दिया हो। तो आज हम लोग सोचे कि लाइए हम लोग डोमेस्टिक मशीन पर ही बना देते हैं। हम लोग के साथ हमारे मनोज जी हैं, ये हम लोगों को जो है पूरा वीडियो में मदद करेंगे कि कैसे आप क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आनी है, कैसे शुरुआत करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसी पे डील करेंगे। चलिए मनोज जी बताते हैं। अब पहले इसमें आप बॉबिन में धागा लपेट लीजिए। जी, लपेटने के बाद आप ये बॉबिन मेंडर है जी, यहाँ से इसको लगा लीजिए। एक नीचे छोटा सा टेंशन दिया रहता है, इसमें फंसा लीजिए जी। आपको धागा नहीं पकड़ना है तो जी, इसके बाद यहाँ से इसको पुश कर लीजिए। पुश करने के बाद आप यहाँ से घुमाते रहेंगे चक्कर को जी, ये धागा आपका भराता रहेगा जी। आपको धागा को पकड़ना नहीं है जी हाँ। इनके जो नीचे टेंशन है उसकी वजह से ये धागा एकदम लेवल में थोड़ा दाएं बाएं जाता रहेगा, एक जगह भराएगा नहीं और एकदम टाइट भराएगा जैसे होना चाहिए। ये हम थोड़ा सा भर के दिखा दे रहे हैं जी हाँ। इसके बाद बाबू मेंडर यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ऊपर हो जाएगा जी हाँ। ये निकाल जी हाँ। ये बॉबिन केस होता है। बॉबिन केस में धागा लगाने का तरीका, ये चीरा हुआ हिस्सा रहता है गली जी है, इसमें आपको डालना है, डाल के इसे कर देना है जी है। ये धागा पीछे रहेगा, इसके बाद ये नाल होता है आपका जी। ये लगाते समय ये ध्यान दें सुई ऊपर रहे जी है। हाँ, सुई अगर आप नीचे करके लगाएंगे तो लड़ने लगेगा, सुई टूट जाती है। इसके बाद धागा डालने का आपका पहला ऑप्शन होता है यहाँ से, ये गली दिया हुआ मत्थे में। इसके बाद ये टेंशन है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा टेंशने में पड़े। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये धागा इसी के ऊपर से इसे डाल देते हैं, ये धागा सही आता नहीं है जी। ये जब भी आएगा ढीला आएगा जी। टेंशन में लगा के दबा दें, एक बार उसको दबा दें या धागा यहाँ से पकड़ के इसे खींच लेंगे तो इसके अंदर चला जी हाँ जी हाँ, उसमें डूब जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ से सीधे मीडियम में डालना आपको, ये नीडिल में चला गया धागा जी। इसके बाद आप धागा को पकड़ के नीचे का धागा निकाल लीजिए, ये धागा आपका निकल गया। निकलने के बाद इसको बैक पीछे कर लीजिए जी हाँ। जब ऊपर धागा डाल के आप बॉबिंग नीचे सुई को लेके जाएंगे तो वो सुई अपने आप धागा ऊपर लेके आ जाती है, और फिर आप उसको धागे को दोनों पीछे कर दीजिए। इसके बाद आपको सिलाई करना, ये कपड़ा लगा दिए जी। लगाने के बाद यहाँ से जब चलाएंगे मशीन को जी हाँ, ये आपका सिलाई होगा जी हाँ। 5 नंबर पे एकदम टॉप पे चलाएंगे तो लंबे लंबे टाके आएंगे। इसके बाद यहाँ पर नंबर आपका एडजस्टिंग बना हुआ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 जी। मान लीजिए 1 से हम चलते तो 1 से जाते हैं जी, आपका बहुत महीन सिलाई हो जाएगा जी हाँ। इतना महीन हो जाएगा समझ लीजिए कपड़ा कटने लगेगा जी हाँ। इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं, 2-3 के बीच में नॉर्मल सिलाई जो घर में चलता है जी हाँ, ये सबसे बेस्ट होता है। 2-3 वाले टाके एकदम सही आएंगे, ये देखेंगे सिलाई आपका एकदम क्लियर आएगा इसमें। उसके बाद पीछे से भी देखेंगे एकदम दानादार सिलाई रहेगा, फर्स्ट क्लास जी। अब यही सिलाई जैसे बाई चांस आप चलाते हैं घर में मान लीजिए बच्चे हैं जी, यहाँ से ये टेंशन को घुमा दिए हैं, 2-4-6 अल्ला यहाँ से ये ढीला हो गया जी। हाँ, टेंशन ढीला हो गया या फिर धागा सही से डाला नहीं, जब भी चलाएंगे तो सिलाई कभी सही आएगा नहीं, धागा खींचने लगेगा नीचे। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया सोचते हैं मशीन खराब हो गई जी। हम मशीन देखिए नीचे से धागा खींचने भी लग रही है, मशीन की आवाज़ में बदलाव हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, फस के चलने लगे, ऐसे आने लगे देखिए ये। अब इसका ऑप्शन यही है जी, यहाँ से पहले चेक कर लीजिए टेंशन से जी। इसके बाद 2-4 चूड़ी इसको टाइट करके देख लीजिए सही हुआ कि नहीं जी। इसके बाद फिर यहाँ से आप चला के देख लीजिए, मिला लीजिए। देखिए अब मशीन में आपके बदलाव हो गया, आवाज़ में बदलाव हो गया, जो धागा नीचे खींच रहा था पूरा आपका, अब ये चीज़ नहीं खींच जी हाँ, वो नहीं खींच रहा है, मशीन की आवाज़ ही बताती है। ये देखेंगे, अब देखेंगे पहले का सिलाई कैसे हो रहा था जी हाँ, अब देखेंगे सिलाई कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा। इसके मतलब ये नॉर्मल धागा आपका एडजस्टिंग टाइट, एडजस्टिंग कम से कम रहना चाहिए और बढ़िया रहना चाहिए जी हाँ। अब जैसे हम बता रहे हैं इसमें धागा फंस जाता है जी, नाल खोलने का साफ करने का तरीका इसको मैं बता दे रहा हूँ जी हाँ जी।
अभी आप थोड़ा सा टेंशन और ढीला करके इसी तरह चलाते हैं ना, तो जैसे आप नोट कर रहे थे कि आवाज़ में बदलाव हो रहा था, वो नीचे से पूरा खींच लेगा धागा। अब मशीन आपकी क्या है, फिर एकदम से ये एकदम ऐसे जाम हो जाएगी, हिलेगी ही नहीं। वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे नई मशीनों में तो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद सुई लगाना बता दे रहे हैं, सुई से भी प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए उल्टा लग जाता है, सिलाई टाका छोड़ने लगता है। जी हाँ जी हाँ, पहले देख लीजिए सुई, इसमें सही तरीका ये होता है, ये गली होता है सामने, चीरा हुआ इसमें, ये सामने एकदम गली टाइप का होता है, ये जब भी रहेगा आपके ठीक सामने रहेगा। जी हाँ जी हाँ, जैसे मशीन मान लीजिए आपका ऐसे है तो बाएं साइड में इसका गली रहना चाहिए, बाएं साइड में। जी हाँ, अब जितना ऊपर जाएगा सुई इतना ऊपर ले जाइएगा। ये देखिए यहाँ पर एक नीचे पेच होता है, ये इसी पेच पे जाके स्टॉप हो जाएगा सुई, इसके ऊपर नहीं जाएगा। जी हाँ, इसके नीचे भी रहेगा तो सुई नीचे में जाकर लड़के तोड़ देगा। जी हाँ, ये यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पे एक हल्का सा बारीक सा पेंच लगा रहता है, उसी पे जा करके सुई रुक जाती है वहाँ पे। अगर आप नहीं है, अगर उसके नीचे भी सुई रहेगी, अगर उसके नीचे भी सुई रहेगी तो भी धागा छोड़ देगा, और उसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं, तो आपको बस सुई ऊपर तक सटा के यहाँ से चुटकी से टाइट कर देना है। ठीक है मनोज, जब भी करिएगा सुई ऊपर कर लीजिएगा। ये चापा प्रेशर फूट होता है, इसको नीचे कर दीजिएगा, नहीं तो अच्छा, सुई निकलेगा नहीं। अच्छा, अच्छा ये होता है, ये सुई निकाल लेंगे आपने। जी यही सुई है जो उल्टा लग जाता है, जैसे ये हिस्सा है। जी हाँ, चिपटा वाला, चिपटा वाला हिस्सा जब भी रहेगा अंदर, बहुत से लोग अच्छा क्या करते हैं, जो राउंड वाला होता है हिस्सा, जी हाँ, ये अंदर के साइड में लगा देते हैं। अच्छा अच्छा, ये सुई का फेरा जो होता है, कटिंग होता है, ये उल्टा हो जाता है, बिल्कुल मशीन चलेगी। हाँ, इसके वजह से ये सुई जाके नीचे लड़के तोड़ भी देगा, टाका भी छोड़ेगा, कई आए बा जाएगा। ठीक है, तो वो चिपटा वाला हिस्सा कस्टमर को दिखा के लगा, ये चिपटा वाला हिस्सा ये है, ये जी हाँ, ये जब भी रहेगा अंदर साइड में रहेगा लगा। और चापा आप गिरा लीजिएगा, चापा नहीं गिराएंगे तो सुई आपसे लगेगी। इसमें एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए सुई लगा रहे हैं तो तीखा मत लगाइए, सुई का जो नोखा होता है एकदम सीधा रहना चाहिए। जी हाँ जी हाँ, तभी जाके ये सही परफेक्ट चलेगा। जी हाँ, नहीं तो आपकी सुई जा करके ना सलाई के जो है छेद के अगल बगल लड़ने लग जाएगी मशीन। आप यहाँ से टाइट कर लीजिएगा, ढीला हाथ से मत करिए, किसी चीज़ से टाइट करिएगा। अब जैसे ये हो गया, बाबिन के नाल में धागा फंस जाता है, जी इसका नाल ये होता है। जब भी मशीन आपकी समझ देखिएगा आप, अगर ये एकदम हिलेगी नहीं यहाँ से, एकदम ऐसे जाम हो जाएगी अगर, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि ये नाल खोल के साफ़ कर देना। अब कैसे खोल के साफ़ करना है ये आपको मनोज जी बॉबिन केस निकाल लीजिए। निकालने के बाद यहाँ देखिए दो पेज दिया हुआ है। जी इसके बाद दोनों पेज खोल लीजिए यहाँ से ऐसे। अरे बबलू भाई, ये ध्यान दीजिए, अरे बबलू भाई फोल्डिंग नाल वाली एक मशीन रख देना लाके। हाँ, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा सुई जी नीचे ना रहे, फोल्डिंग नाल वाली एक मशीन रख देना, सुई नीचे ना रहे। जी हाँ, नीचे रहेगा तो ये नाल आपका निकलेगा नहीं। हाँ, हम निकाल के भी बता रहे हैं, ये सुई लड़ रहा है। जी हाँ जी, अब जब ये चीज़ आपका ऊपर रहेगा जी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जी हाँ जी, निकालने के बाद दोनों पेच निकाल लीजिए, इसके बाद मशीन घुमा के देख लीजिए, आपका हल्का चल रहा ना फर्स्ट क्लास का। जी हाँ, अब देखिए ये एकदम हल्का चलेगा, समझ जाइएगा यहाँ से धागा इसके अंदर फंसा हुआ। जी हाँ, अब इसको निकालने के लिए आप कुछ मत करिएगा, इसको ऐसे रख लीजिएगा, ये पेच दिया हुआ, ये पेच खोल के निकाल लीजिए यहाँ से ऐसे। कोई भी ले आ यार, कोई भी साफ सुथरी मशीन रख दो सामने लाके, ये पेच खोल लीजिए, खोलने के बाद ये निकाल लीजिए, पेच अलग कर लीजिए। जी, ये जैसे भी निकालिएगा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, उल्टा क्या होता है सीधा क्या होता है। जी हाँ, ये चीज़ ऐसे रख लीजिएगा, फिर यहाँ से ये पत्ती निकाल लीजिएगा। जी हाँ, निकालने के बाद देखेंगे यहाँ गंदगी है इसमें। जी हाँ जी हाँ, इसको निकाल लीजिए। ठीक है, लगाने के बाद कोई रद्दी कपड़ा ले लीजिए, गंदा कपड़ा, इससे आप साफ़ कर लीजिए इसको। जी हाँ, साफ़ करने के बाद ये अंदर देखेंगे हमेशा धागा फंसा रहता है इसके अंदर, इसको निकाल लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा किसी कपड़े से। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा इसको लगाते समय, बहुत से लोग क्या करते हैं नहीं समझ आता है, तो इसको ऐसे ले जाकर रख देंगे। जी हाँ, इसके बाद देखेंगे ये चीज़ हिस्सा बैठेगा नहीं कभी भी आपका। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ आप जब सीधा लगाते हैं ऐसे लगाएंगे पलट के, ये घाट में जाके आपका बैठ जाएगा दोनों। जी हाँ, तो आप समझ जाइएगा एकदम सही लगा हुआ। जी हाँ,
ये दो पिन निकला हुआ है, एक इधर। अब ये क्लिप लगाने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, उल्टे ही लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, धागा छोड़ने लगेगा। बिल्कुल, ये चीज जो क्लिप है और इस पिन के बीचे बीच रहना चाहिए। जी जैसे यहाँ रख लीजिए आप, रखने के बाद ये पिन देखिए, रखने के बाद ये पेच आपका है ऑप्शन, यहाँ से छेदा देख लीजिए सीधा आ रहा है कि नहीं। जी, इसके बाद यहाँ से पेच कर दीजिए। अच्छा, नए कस्टमर लोग, हम लोग जैसे इसको नाल इसमें डाल देते हैं, शटल वो नहीं डाल पाएंगे, तो पहले ही से ही डाल के दिखा दीजिए इन लोग को, इसको टाइट कर लीजिएगा। जी हाँ, अब देखिए इसका लगाने का तरीका, बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं समझ आया भैया दिमाग से उतर गया, तो बहुत से लोग उल्टा लगा देते हैं, ऐसे लगा देंगे। जी, ये जाके नहीं बैठेगा, जब भी लगाइएगा ये चीज खूटी जो है। जी हाँ जी, आप हमेशा ध्यान दीजिए, जो चिकना हिस्सा होता ही है नल का, ये हमेशा इस साइड में रहेगा। जी हाँ, यहाँ से रखिए, देखिए यहाँ कटिंग रखा है, यहाँ रख दीजिए। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा रख के ऐसे दबा दीजिए, बस चला जाएगा। इसमें बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, और जब हो जाएगा तो नाल में आसानी से शटल घूमने लगेगा। इसके बाद अब ध्यान दीजिए एक चीज आओ, जी जैसे आपको लगाना था ये ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत से लोग होते हैं घुमा दिए सुई को, सुई नीचे आ जाएगा तो भी नहीं लगेगा आपका। जी जब भी रहेगा तो सुई आपका ऊपर रहेगा तभी लगेगा ये। जी इसके बाद जाके ये घाट में बैठ गया, यहाँ दिख लीजिए दो छेदा दिखाई देगा। जी दोनों छेदे में इसे नाल में पेट में डाल के आप इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ केवल कस देना है यहाँ से ऐसे। इतना ही टाइट रखिएगा जितना होता है, ढीला रख देंगे तो भी हिलने लगेगा। इसके बाद ये बाबिन केस होता है, बाबिन केस आप ऐसे लगा दीजिए जैसे निकाले थे। इसके बाद निकालने के बाद आप सिलाई कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास चलेगा। ये आपका देखिए सादा नाल है, इसमें आजकल कुछ मॉडल की मशीनें आती है उसमें फोल्डिंग नाल होता है, तो आप मशीन में आपके जैसा नाल होगा वैसे सफाई होगी, सादा नाल होगा तो इस तरह सफाई होगी, और फोल्डिंग नाल का भी यही लगे हम लोग आपको बता देते हैं। फोल्डिंग नाल का खोल के दिखा दीजिए, जैसे ये नाल है जी। आपका मान लीजिए धागा फंस जाता, नहीं समझ आ रहा है, ये बहुत से लोग क्या करते हैं, ये पूरा नाल खोल देते हैं। पूरा नाल खोलने का जरूरत नहीं है आपको, ये लॉक दिया होता है, एक दाएं एक बाएं होता है, एक इधर आप बाएं घुमा दीजिए एक दाएं घुमा दीजिए, बस ये ध्यान दीजिएगा सुई ऊपर रहना चाहिए। सुई ऊपर है, आपने बॉबिन केस निकाला, निकालेंगे तो पूरा ये खजाना निकल जाएगा। इसमें पहली बात तो क्या है, उल्टा लगने का कोई चांस है नहीं, उल्टा तो कभी भविष्य में नहीं लगेगा। जब भी लगेगा तो आपका ये खूटी पकड़े, फिर ले जाने के बाद आप ये ध्यान दीजिए जहाँ धागा फंसा है इसको कपड़े से साफ किए अपने। जी साफ करने के बाद इधर उधर से जी ये खूटी पकड़िए, कुछ नहीं पकड़ने के बाद ये खूटी इसी में नाल में ले जाकर रख दीजिए। जी रखने के बाद ये क्लिप होता है, ये देखिए यहाँ गली है, ये गली है और ये पिन है। जी ये पिन ले जाके इसी में ऐसे रख दीजिएगा, ये रखेंगे तो बैठ जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये उल्टा रख देते हैं ऐसे, ये जाके आपका बैठेगा नहीं, कभी भविष्य में नहीं बैठेगा, परेशान होंगे। अब इसके बाद जब सीधा रखेंगे तो ये जाके गली में बैठ जाएगा, फिर यहाँ से एक बहने एक बाएं से लॉक चढ़ा दीजिए, जब लॉक चढ़ाएंगे तो कट से आवाज़ करेगा, तो समझ जाइएगा एकदम सही बैठा हुआ। इसके बाद ये बॉबिन केस फिर लगा कर आप केवल सिलाई कर सकते हैं। स्टिचिंग बढ़ाने के लिए स्टिचिंग घटाने बढ़ाने के लिए बैक, जैसे बहुत से लोग मारते हैं, बहुत नहीं समझ आता है बैक कैसे करना है कपड़े को। अब जैसे मैंने मान लीजिए ये सिलाई किया, ये मान लीजिए मैंने सिलाई किया जी, सिलाई करने के बाद बहुत से लोग सोचते हैं बैक कैसे मारे आगे पीछे मजबूती के लिए। इसको आप कुछ मत करिए, ढीला कर लीजिए, ढीला इतना कर लीजिए आपके एकदम नीचे तक आ जाए। इसके बाद इसको एकदम नीचे कर दीजिए। अब इसको जब चलाएंगे तो देखिए बैक होने लगेगा, मशीन पीछे भागने लगेगा। अब इसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, करने के बाद फिर बैक आगे पीछे कर दीजिए, अब देखेंगे तो क्या यहाँ पर एक सिलाई मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, जल्दी खुलेगा नहीं वो। ये देखिए ये आपका बैक मरा गया, हाँ यहाँ पे अब आपका टाका मजबूत हो गया यहाँ पे। इसमें एक गलती, कभी बच्चे लोग जो है इसको टाके जीरो पे कर देते हैं इसका, तो भी दिक्कत आती है, उसको बता दीजिएगा। मैंने देखिए जीरो पे जब भी सिलाई कर लेंगे करते हैं तो बच्चे लोग घुमा दिए बाइक चैनल। अब इसके बाद आप चलाएंगे कपड़े को तो बहुत से लेडीज लोग परेशान होती है, भैया क्या हो गया, ये मशीन क्यों नहीं पीछे भाग रहा है। जी ये सोचते हैं नहीं कपड़ा या मशीन खराब हो गया, कोई बात बक रही, ऐसा कोई बात नहीं होता।
बस यहाँ से ये ध्यान दीजिए, इसके बाद चलाएंगे जी, तो देखिए ये कपड़ा ना पीछे जा रहा ना आगे आ रहा, बिल्कुल अपनी जगह टिका है। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले जो रिवर्स होता है मारने वाला टाका, जहाँ से छोटा बड़ा किया जाता है, आप पहले ऊपर करके देख लीजिए थोड़ा सा, करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा हाँ मशीन आपका एकदम सही है, इसके मतलब कोई बच्चा यहाँ से घुमा के नीचे कर दिया था इसलिए आपका पीछे नहीं जा रहा था। जी हाँ जी, इसमें सुई बदलना हो ही गया। कभी भी आपकी मशीन में टाका छोड़ रही है, मशीन टाका छोड़ दे रही है चलते चलते, तो आप पहले सुई उसको चेंज कर लीजिए, सुई से ही प्रॉब्लम होती है। अब ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लोग ने बता दिया है, जो घर में आती है तो आप उसको घर में ही बैठे बैठे सही कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी ना समझ में आए तब किसी मैकेनिक के आप मशीन ले करके जाइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, शुक्रिया।